अगर जो भी किया हो, एक साल के लिए लगाया हो, दो साल के लिए लगाया हो, तीन महीने के लिए लगाया हो, किसी तरह भी एंगेज किया हो, आप लोगों ने मुसीबत की घड़ी में आप लोगों ने लोगों की सेवा की और सरकार का साथ दिया। कोविड वॉरियर्स की प्रोटेस्ट में एक नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, पहले आप काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं, दो तीन दिन से NHM जो कोविड वॉरियर्स हैं GMC के बाहर हैं। कई नेता रमन बल्ला जी जैसे कि दविंदर जी उनसे आके मिल चुके हैं, कई नेता उनसे आके मिल चुके हैं, अपना जो प्रोत्साहन है उनको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको सपोर्ट कर सकें, कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएगी, आपको बहाल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा मोड़ आया है दोस्तों। जी हाँ, अब जो जनरल पब्लिक है वो भी कहीं ना कहीं कोविड वॉरियर्स के साथ जो है जुड़ने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आइए कुछ वहीं के हम लाइव दृश्य आपको दिखाएंगे। इन्होंने जो भी किया हो, एक साल के लिए लगाया हो, दो साल के लिए लगाया हो, तीन महीने के लिए लगाया हो, किसी तरह भी एंगेज किया हो, आप लोगों ने मुसीबत की घड़ी में आप लोगों ने लोगों की सेवा की और सरकार का साथ दिया। आज ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये किसी मंत्री के करने से नहीं हुआ है, ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की कुर्बानी है कि आज जो है विश्व में कोरोना में भारत अपने तरीके से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से उभर के आया है कि हमने कोरोना का नियंत्रण किया। और जिन लोगों ने हमारी सफलता सरकार को दिखाई, सरकार दिलाई, सरकार को कोई हक नहीं पहुंचता कि उनको जब अपना मतलब निकलेगा तो ठोकर मार दे। 1600-1700 आदमियों को एब्जॉर्ब करना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 भी हो जाएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं बेटा। इससे ज़्यादा वैकेंसियां तो आपके यहाँ पे, ये जो मेडिकल कॉलेज और के एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं, इन्हीं में होंगी। तो गवर्नमेंट को उन लोगों को, जैसे कोरोना में मुझे भी 5-6 सर्टिफिकेट मिले कोरोना वॉरियर के, उनकी सेवा कर रहे थे, ठीक है ना। जिन लोगों ने सच्ची मुच्चे में कोरोना की लड़ाई की, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं, उनको आपकी जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, हम आपकी डिमांड का पूरा समर्थन करते हैं। और आप लोगों का ये संवैधानिक अधिकार है, आप अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार कर सकते हैं और प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होनी चाहिए। हमें किसी तरीके से अब कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। सरकार को वो नहीं दिखता, वो जो लाख लाख लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 10 साल से दिल्ली को बंधक बना के रखा हुआ है, उनके साथ नहीं छेड़ेगी। लेकिन आप लोगों के साथ अगर कोई शक्ति होगी तो मैं यहाँ जम्मू की जनता से अपील करता हूँ, आपके साथ खड़ा होकर आप लोगों की जो है वो मदद करें। साथ में आप एप्रन है ना, जो हर एक लगा के पहन के बैठे, आप बाकी मेरा निवेदन है किसी के बगावे में मत आइए। यस सर।